कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोहा बाजार में, टीएमडी सरिये में क्या कीमतें चल रही हैं मार्केट में। आज हफ्ते के पहले दिन टीएमडी सरिये के साथ साथ के बाजार के बारे में बात करेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं। हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त गिरावट के साथ इंगट के मार्केट में कारोबार हुआ, जिसका असर सिर्फ इंगट पर ही नहीं उसके साथ साथ टीएमडी सरिये पर भी देखने को मिल रहा है। बाजारों में इंगट का जो लेवल है वो 48,000 से भी नीचे जा चुका है, जिसको देखते हुए टीएमडी सरिये में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज करी गई है। कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो भारतम कंपनी का रेट 54,100 रुपए चल रहा है, कामधेनु कंपनी की कीमतें 61,201 है, केटू कंपनी का रेट 60,912 है, ज्योति कंपनी की कीमतें 60,912 रुपए देखने में आ रही है। इसके अलावा फॉर्चून कंपनी की कीमतें 61,899 है, ध्रुवल कंपनी का रेट 60,101 है, द्वावर कंपनी की कीमतें 65,300 चल रही हैं, दीपक कंपनी का रेट आप मार्केट में 53,700 रुपए देखकर चल सकते हैं, विभाज कंपनी की कीमतें 51,800 रुपए देखने जा रही हैं। इसके अलावा शेर पंजाब कंपनी का रेट बाजार में 61,111 है, अंबा कंपनी की कीमतें 57,800 चल रही हैं, जिंदल कंपनी का रेट बाजार में 60,600 रुपए मार्केट में देखा जा रहा है। अब इसके बाद इंगट के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो आज जबरदस्त तरह की गिरावट दर्ज करी गई है। इंगट का रेट 47,800 रुपए है, 600 रुपए तक की गिरावट आई है मार्केट में यहाँ पर, और उसे स्प्रे की कीमतें 37,200 रुपए देखी जा रही है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, और इंगट को देखते हुए बाजारों में टीएमटी सरिये में भी गिरावट आई है, एक्सपायरी भी शुरू हो चुकी है, मंथ एंड चल रहा है, बाजारों में आपको बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी को देखते हुए मार्केट में देखी जा सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपकी न्यूज सुनो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।